कामती। नागाओं की नगरी नागपुर, जिसे आज हम दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं, इस नाग नगरी से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा नगर, जिसे नागपुर का उपनगर भी कहा जाता है। और अंबेडकरवादी आंदोलन की दृष्टि से देखा जाए तो ये नगर अंबेडकरवादी आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। यही वह कामटी नगर है जिसने जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन को सहेजा और एक दूसरे हरदास यानी कि हरदास अवले बाबू, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिवर्तनवादी आंदोलन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, ऐसे हरदास अवले बाबू का जन्म भी कामटी के छावनी परिषद इलाके में 1 जुलाई 1916 में हुआ। लेकिन इसके बाद अवले बाबूजी का पूरा परिवार रायपुर में शिफ्ट हुआ और बाबूजी की मैट्रिक तक की पढ़ाई रायपुर में ही हुई। अवले बाबू विज्ञान के स्नातक रहे और एलएलबी की पढ़ाई तथा स्नातक की पढ़ाई नागपुर से ही की। अंबेडकरवादी आंदोलन में विभिन्न आयामों पर अपना योगदान देने वाले अवले बाबू अत्यंत सरल, सीधे लेकिन तर्कसंगत और विद्वत्ता के धनी रहे। उनके समकालीन नेताओं में दादा साहब गायकवाड़, आरडी भंडारे, बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े, इन जैसे अंबेडकरवादी आंदोलन की सेकंड लाइन लीडरशिप रही है। लेकिन इन सब में अवले बाबू का व्यक्तित्व विशेष उल्लेखनीय है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके आंदोलन में कई अनेक सिपाही थे और अनेक सिपाहियों में अवले बाबू एक निष्ठावान सिपाही थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अम्बेडकरी आंदोलन में झोंक दिया और मध्य प्रांत वराड़ी नहीं पूरा समूचा महाराष्ट्र में अंबेडकरी आंदोलन में उन्होंने जो उनका जो कार्य है, उनके कार्य से यह पता चलता है कि बाबू अवले एक समर्पित निष्ठावान झुंझारू कार्यकर्ता थे बाबा साहब के। इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 1952 में भंडारा से जो इलेक्शन हुआ था उसमें प्रचार की धुरा संभाली थी। सामान्य जनता के पास जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की महति, उनके कार्य की महति और उनके राजकीय योग्यता के बारे में सामान्य लोगों के सामने जाकर अलग अलग मीटिंगों लेकर उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग जो है उसका लोगों के सामने प्रचार करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राजकीय महत्ता कैसी है, कितनी आवश्यक है और उनका पार्लियामेंट में जाना कितना ज़रूरी है, यह बात वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से लोगों में जाकर छोटी छोटी मीटिंगें लेकर, पॉम्पलेट लेकर, पेपरों में न्यूज़ देकर वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रचार किया करते थे। और वे स्वयं भी जब 1955 में भंडारा से ही खड़े हुए तब भी उन्होंने इसी तरह से इलेक्शन का प्रचार किया। बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों के अलावा बाकी जो लोग हैं, विचार करने वाले विवेकशील लोग हैं, जो किसी तरह से जाति भेद को ना मानने वाले लोग हैं, उनके पास जाकर अपने बाबा साहब की महत्ति कहना और उनके प्रति लोगों के मन में प्यार जगाना, ये अवले बाबूजी के वक्तृत्व का, उनके भाषण का और उनके इलेक्शन प्रणाली का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहा। सन 1940 से अवले बाबू के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत होती है। नागपुर के नवा नकाशा इलाके में समता सैनिक दल की एक छोटी सी शाखा के साथ, जिसमें अवले बाबू आत्मरक्षा के गुर सिखाते हैं। जहाँ पे वो उनका निवास था लश्करी बाग में, तो वो कुछ सैनिकों को लेकर, समता सैनिक दल की नागपुर में स्थापना हुई, उन्होंने कवायद पढ़ाया, शिस्त डिसिप्लिन सैनिकों को, और एक कैडर बेस्ड सैनिक तैयार करने का काम उन्होंने किया। तो वास्तविक अंबेडकरी आंदोलन में जब वो छात्र थे तभी से वह कूद पड़े हुए, और 1942 में हम देखते हैं कि यही
नागपुर के भूमि में समता सैनिक दल का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में खासदार गोपाल सिंह अध्यक्ष थे और आवड़े बाबू का जो काम देखकर समता सैनिक दल में पूरा यानी उन्होंने सिपियान बेरार यानी गांव गांव तक के समता सैनिक दल की शाखाएं स्थापित करने का आवड़े बाबू ने महत प्रयास किया और इसी वजह से उनको समता सैनिक दल का 1942 में वह मध्य प्रांत वराट के वह अध्यक्ष हुए। और इसलिए हम देखते हैं कि जहां कहीं भी दलित बौद्ध समाज पर अन्याय हुआ, उनके हकों का छीनने की कोशिश हुई, तब तब आवड़े बाबू ने अपने रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम के द्वारा उसको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम के द्वारा उस अन्याय अत्याचार को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश की। आंदोलन करके लोगों के जुलूस निकाल कर, लोगों का निषेध मोर्चा निकाल कर और जहाँ कहीं हो सका उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाकर लोगों में विश्वास पैदा किया, उनके दिल दिमाग में आत्मविश्वास पैदा किया, उनके मन से डर को निकाला और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का विचार जो था वो आंदोलन के द्वारा लोगों में पहुंचाया। संत सैनिक दल की एक विशेषता है, वहां कार्यकर्ता बौद्धिक स्तर पर विचारधारा से पक्का हो जाता है, वरना कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक अदना सा युवक अंबेडकरवादी राजनीति का धुरंधर बन जाएगा। ये आवले बाबू की राजनीतिक क्षमता और गुणवत्ता की सामर्थ्य है कि सन 1944 में उन्हें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बरार मध्य प्रांत का संगठन मंत्री चुना गया। जब 1942 में यही नागपुर के भूमि में यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई, अब स्थापना होने के बाद में कुछ 6 महीने के बाद में ये आवड़े बाबू का वो कार्य देख के उनको जो है मध्य प्रांत वराट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महासचिव बनाया गया। और जब कस्तूचर पार्क में जब बाबा साहब की सभा हुई तो वो सभा में 70,000 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे और सभा का जो नियोजन है वो सभा को यशस्वी करने में आवड़े बाबू का महत्वपूर्ण रोल रहा है। और उस समय जो चुनाव होने वाले थे तो चुनाव में मध्य प्रांत बराड़ से 14 लोग उम्मीदवार खड़े थे, तो आवड़े बाबू यह उमरेड और नागपुर लोकसभा से खड़े थे लेकिन वो चुन के नहीं आए। लेकिन सभा जो सफल हुई और उसके बाद में पूरे मध्य प्रांत बराड़ में फेडरेशन का जो कार्य है शासन करती जमात बनना, यह फेडरेशन का मुख्य लक्ष्य था। तो इस लक्ष्य को यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए आवड़े बाबू ने पूरा जो मध्य प्रांत वराट जो है वो पूरा यानी पैदल चल के, कभी यातायात के साधनों का अभाव था, यानी पूरा अपना यानी जो समय है वो बाबा साहब के सामाजिक आंदोलन में उन्होंने दिया है। एडवोकेट बाबू हरिदास आवले चारित्र विनम्रता से भरपूर निष्ठावान व्यक्तित्व रहे। वे सामाजिक मुद्दों के प्रति इतने संवेदनशील रहे कि उनकी संवेदनशीलता उनके भाषणों में भी झलकती है। भूखमरी से जूझ रहे बीड़ी मजदूरों की समस्याओं को लेकर आवले बाबू का चिंतन जो उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया वो आज भी प्रासंगिक है और उतना ही गंभीर भी, जिससे आवले बाबू एक मजदूर नेता की भूमिका में उपस्थित होते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ मिल कामगार संगठना, यह 1955 में इसकी स्थापना की थी, संगठना की। जब सौसर जिले में कच्ची ढाना करके एक ग्राम है सौसर तालुका में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो कुछ जो मजदूर है वेतन के लिए 6 महीने तक वह उन्होंने यानी संप पुकारा था और यह संप जो है वो सिद्धार्थ मिल कामगार संघ के द्वारा आयोजित किया था। तो इसके बाद में यह अत्यंत सनदसिर मार्ग से आवड़े बाबू ने जो है इसका मार्ग निकाला और उस समय में जो मजदूर मंत्री थे मध्य प्रदेश के, आवड़े बाबू को यानी जो उनकी जो कैडर बेस संगठन शक्ति देख के वो उन्होंने उसकी प्रशंसा की। तो कई तमाम जो मजदूर लोग थे, बीड़ी मजदूर है, खान मजदूर है, ये जो मजदूर है मिल मजदूर है, इन मजदूरों को उनका जो अधिकार है और जो हक दिलाने में आवड़े बाबू
हर बार वो सक्रिय रहते थे। ये बात बिल्कुल सच है कि जो व्यक्तित्व अपने जीवन को सामाजिक जीवन से जोड़ देता है और लोगों की समस्याएं उनके अपने संघर्ष का हिस्सा बन जाती है, तो समाज की दृष्टि में वे अनमोल हो जाते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल अभावग्रस्त बने रहते हैं। आवले बाबू के साथ भी यही हुआ। उनका जीवन विद्वत्ता, समझ और सामाजिक प्रतिष्ठा में तो भरपूर था, लेकिन आर्थिक स्तर पर बहुत ही कमजोर रहे। फिर भी स्वाभिमान का जो पाठ उन्होंने अपने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से सीखा था, उससे टस से मस नहीं हुए। 1949 की बात है, एमपी के उस वक्त के प्रधानमंत्री जी पंडित रविशंकर शुक्ला एक दिन उनके घर में आए। आवले बाबू और उनकी मिसेस शकुंतला भाई आवले, ये अपना घर ऐसी बहुत ही जीर्ण अवस्था में घर था, उसको दुरुस्त करने का काम कर रहे थे। अचानक पंडित रविशंकर उनके घर में आए और उनको कहने लगे कि हरिदास, तुम इतने बड़े नेता हो और इस झोपड़े में रहते हैं, मैं आपको मंत्री बनाता हूँ और रहने के लिए अच्छा बंगला देता हूँ, गाड़ी देता हूँ। तो उस वक्त उन्होंने कहा, वो उनको काका कहते थे, शुक्ला काका, उन्होंने बोला आवले बाबू ने, शुक्ला काका मुझे तो मंत्री तो बनना ही है, लेकिन आपके गुलामी के इस सरकार में मुझे मंत्री नहीं बनना। जिस दिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की सरकार आएंगी, तब मैं मंत्री जरूर बनूंगा, अगर मुझे संधि मिली तो। और उन्होंने आई हुई ऑफर मंत्री पद की ठुकरा दिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में एक निस्वार्थ भूमिका निभाने का और निष्ठावान रहने का जो काम है, वो आवले बाबू ने किया है। आई हुई ऑफर मंत्री पद की ठुकरा दिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में एक निस्वार्थ भूमिका निभाने का और निष्ठावान रहने का जो काम है, वो आवले बाबू ने किया है। आवले बाबू जितने बड़े और प्रभावी नेता रहे, उतने ही बड़े विचारक भी, और उनका शिक्षा तथा उसके प्रचार प्रसार और छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने पर भी बड़ा जोर रहा। बाबूजी द्वारा स्थापित नालंदा हॉस्टल उसकी परिणति है। आवले बाबू देश की राजनीति से लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक की बराबर दखल लेते रहे। देश में जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंज रहा था और 1962 के चीनी आक्रमण से देश पस्त हो गया था, तो आवले बाबू चीनी विस्तारवाद पर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चेताने से नहीं चुके और अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए जनता से एक एक रुपया अनुदान लेकर उसे राष्ट्रीय कोष में जमा कराया। आवले बाबू की राजनीतिक समझ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे रचनात्मक राजनीति में विश्वास रखते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का निर्णय किया, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि अगर हम बौद्ध बन जाते हैं तो हमें रिजर्व कैटेगरी से इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ लोगों का इस बात के लिए सहमति नहीं थी कि इलेक्शन के पहले बौद्ध धर्म की, धम्म चक्र प्रवर्तन की, धम्म दीक्षा लेने की बात हो जाए, और इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि हम इस बात के लिए सहमत नहीं है। परंतु आवले बाबू ने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के कहने के मुताबिक हम दीक्षा भूमि पर जाकर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के द्वारा धम्म दीक्षा का स्वीकार करेंगे और इसे इसमें किसी भी तरह का हम अवरोध नहीं आने देंगे। और ये कहने के बाद बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की धम्म दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 में यशस्वी कामयाब हुई। आज हम पृथक विदर्भ के मसले पर विदर्भ और देश की राजनीति को गर्माता देखते हैं, लेकिन उस वक्त आवले बाबू ने पृथक विदर्भ की मांग के साथ दिल्ली पर मोर्चा निकाला, वो भी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। बाबा साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के 3 हिस्से होने चाहिए,
एक बंबई प्रांत होना चाहिए पश्चिम महाराष्ट्र का, दूसरा होना चाहिए मराठवाड़ा का, और तीसरा होना चाहिए विदर्भ का। अब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का इस बारे में बहुत ही जोरदार समर्थन है। बाबा साहब कहते हैं कि अशोका सम्राट के अशोका के जमाने में भी तीन महाराष्ट्र की बात आई है, उसमें एक महाराष्ट्र जो है वो विदर्भ है, और विदर्भ का उल्लेख भी पाली साहित्य में आता है। ये कहते हुए आवड़े बाबू ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आदेश के मुताबिक, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के तत्व ज्ञान के मुताबिक, उनके विचारों के मुताबिक आवड़े बाबू ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और फिर यहाँ के जो बापूजी अणे थे, जामवंतराव धोटे थे, राजे विश्वेश्वर राव थे, वहाँ के कांग्रेस के जो वासनिक थे, और इतने सारे लोग बाकी जो थे, जैसे वो तमाम लोगों को इकट्ठा करके आवड़े बाबू ने यहाँ विदर्भ का आंदोलन चलाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जनता के नाम सीधा संदेश था कि हमारा संघर्ष स्वतंत्रता के लिए है, न कि हमारे पारिवारिक या व्यक्तिगत हित के लिए। हमें न्याय चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये बात आवले बाबू के जीवित संघर्ष का घोषणा पत्र थी, और इसे आधार बनाकर वे जीवन भर संघर्षरत रहे। अपने आंदोलन की सफलता के लिए उन्होंने कई सत्याग्रह समितियों का गठन किया था। 1948 में तब आवड़े बाबू और कुछ कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। कम से कम 6 महीने तक वह कारावास में थे, और 6 महीने के बाद में उनकी जब कारावास से छुटका हुई, तब ये नागपुर के जेल से लेके तो अभ्यंकर रोड जहाँ समता सैनिक दल का ऑफिस था, वहाँ तक के उनकी अनेक जुलूस निकाला गया। और उसके बाद में पंडित रेवाराम कवाड़े इनकी अध्यक्षता में एक सभा हुई, और सभा में जिन जिन सैनिक वहाँ जेल में गए थे उनका सब सत्कार हुआ, और आवड़े बाबू के भी कार्य का लोगों को परिचय हुआ, और ये नागपुर की जनता ने उनको फिर यानी पुढ़ारी या कर्मवीर पदवी से नवाजा गया। 14 अक्टूबर 1956 की दीक्षा के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महाप्रयाण हुआ, और दीक्षा भूमि तथा धम्म दीक्षा का महत्व बरकरार रखना ये बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब के बाद वाली इस लीडरशिप पर आन पड़ी। दीक्षा भूमि के जमीन की कानूनी लड़ाई में आवले बाबू का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई 1962 में उन्होंने जो है विधानसभा में ये खाजगी विधेयक पेश किया कि नागपुर की जो बौद्ध भूमि है जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा दी है लाखों अनुयायियों के साथ में, तो वो भूमि हम बौद्धों को सौंपी जाए। और इतना हिंदी में प्रभावी भाषण हुआ, तो भाषण पे इतने मोहित हुए तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चव्हाण, इतने मोहित हुए कि उन्होंने बोले कि 4.25 एकड़ जो भूमि है वो बौद्धों को सौंपी गई, और आवड़े बाबू को बोले कि आपने जो खाजगी जो बिल है वो अपन वापस ले लो। तो इस प्रकार से फिर 14 एकड़ भूमि जो है वो बौद्धों को सौंपी जाए, इसके लिए भी काफ़ी आंदोलन चलाया। लेकिन आवड़े बाबू ने कभी ये नहीं बोला कि मैंने ये भूमि यानी मेरे वजह से भूमि मिली, जमीन मिली, क्योंकि उस वो जो पूरा का पूरा जो श्रेय है वो नागपुर के जनता को देते हैं। जमीन तो दे दी, लेकिन वो जमीन का कब्जा नहीं मिलना वाला था। तब आवड़े बाबू ने जब देखा कि ये सरकार जमीन ईमानदारी के साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक दिन अपने कार्यकर्ताओं को साथ में ले जाकर दीक्षा भूमि पर एक रात में भगवान बुद्ध का पेडेस्टल तैयार किया मूर्ति का, और वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति बिठाल दी। दूसरे दिन जब पुलिस ने पूछा कि ये अतिक्रमण है, किसने ये मूर्ति लगाई, तो बड़े बड़े नेताओं ने नकार दिया, उन्होंने हुंकार नहीं दी, उन्होंने होकार नहीं दिया, और आखिर में जब आवड़े बाबू को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति मैंने लगाई है, आपको जो कुछ भी करना है मेरे खिलाफ़ कीजिए, और ये इतिहास गवाह है
कि आवले बाबू के कारण ही वो दीक्षा भूमि हम बौद्धों को प्राप्त हुई। ये आवले बाबू की महानता है, उनके कार्य की महानता है, और इसलिए उनको कर्मवीर कहने लगे लोग। आवले बाबू एक कुशल अधिवक्ता भी रहे, और एक अधिवक्ता की अपने मूल्यों की रक्षा में क्या और कैसे भूमिका बनती है, इसका अच्छा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। तब जब 14 अक्टूबर 1956 की धम्म दीक्षा को राजनीतिक सभा कहा गया, 1963 में यहाँ हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म दीक्षा दी है वो धम्म दीक्षा ही नहीं थी, तो वो एक राजकीय सभा थी, और ये करने के लिए यहाँ के जस्टिस भवानी शंकर नियोगी इन्होंने बहुत मेहनत ली, और उन्हें ये साबित किया कोर्ट में कि ये जो है धम्म दीक्षा, ये धम्म दीक्षा ही नहीं थी, तो केवल ये राजकीय सभा थी। इसलिए आवले बाबू ने हाईकोर्ट की जजमेंट की कॉपी निकाले, उसका हिंदी मराठी अनुवाद किया, और जनता में जाकर जनता को निर्णय समझाया, और उनसे वर्गनी जमा की, और सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में से जाकर उन्होंने ये निर्णय जो था हाईकोर्ट का, उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के द्वारे उसको रद्द किया गया, और ये साबित हुआ कि 14 अक्टूबर 1956 को जो कार्यक्रम हुआ वो कार्यक्रम धम्म दीक्षा का ही था, वो राजकीय सभा न थी, और उसी दिन से हम लोग सही मायने में बौद्ध धम्म के कहलाने लगे। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एडवोकेट हरदास आवले बाबू रिपब्लिकन पार्टी के उपाध्यक्ष चुने गए, बाद में वे रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष भी बने। आवले बाबू की आंदोलन के प्रति लगन, विश्वास और समर्पण उनके चरित्र में भी झलकता है। आवले बाबू का ये दावा रहा कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के अलावा उनका कोई नेता नहीं है, और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का जो भी तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान उनका मार्गदर्शक है, इसलिए उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को जीवन भर कहीं भी उससे विचलित नहीं हुए। हर बार आवले बाबू ने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के खिलाफ कोई भी कृति नहीं की। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस ये जलता घर है, उसमें हम लोगों ने नहीं जाना चाहिए, जो लोग जाएंगे वो जलकर खाक हो जाएंगे, और इस बात को हरिदास बाबू आवड़े ने पूरे जीवन भर इसकी कोशिश की, और कभी भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ एकी करने की, उनके साथ काम करने की कोशिश नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की पार्टी को अलग ही, जिसे विशेषतापूर्ण विशेष संगठन वाली पार्टी करके लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का धार्मिक तत्व ज्ञान हो, राजकीय तत्व ज्ञान हो, सामाजिक तत्व ज्ञान हो, उन्होंने उससे भी थोड़ा सा भी अपने जीवन में अंतर नहीं आने दिया, और उन्होंने पूरी तरह से ये कोशिश की कि राजकीय सभा क्यों न हो, वहाँ मीटिंग की जब समारोह हुआ करता था तो आवले बाबू नत्थि में शरणंग अयंग, बुद्धो में शरणंग वरंग, नत्थि में शरणंग अयंग, धम्मो में शरणंग वरंग, नत्थि में शरणंग अयंग, संघो में शरणंग वरंग, ऐसा कहके एतेन सच्च वज्जेन होतुमे जय मंगलम, ऐसा कहके वो सभा का अंत किया करते थे, शेवट किया करते थे, समारोह किया करते थे। सन 1971 के मध्यावधि चुनाव में एडवोकेट हरिदास बाबू आवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव फाइट कर रहे थे, और इन्हीं चुनावों की प्रचार सभा का सिलसिला पूरे नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चल रहा था। ऐसी ही एक प्रचार सभा में आवले बाबू भाषण कर रहे थे कि अचानक माइक पर ही गिर गए, आवाज बंद हो गई, और अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही आवले बाबू ने अंतिम सांस ले ली। 2 मार्च 1971 का वो दिन जब अंबेडकरवादी आंदोलन ने कर्मवीर बाबू हरदास आवले जैसा कर्मठ, निर्भीक वक्ता, जुझारू वकील, कुशल राजनीतिज्ञ, समता सैनिक दल का सेनानी खो दिया।